Hello dear students, assalamu alaikum. I hope you are fine. Today I am starting active and passive practice, so I hope you will enjoy this practice very well. Let's start our practice about active and passive voice in a well to do manner. Active and passive voice is an essential topic for all students. Active and passive voice जो है very important for all students होता है, और active and passive voice हर जो है grammar के test में use भी होता है, और active and passive voice is very primary for all students to follow. Active and passive voice is a game changer for all students who are appearing in competitive examinations. Active and passive voice के rules और regulations जो है हमारे लिए ये है कि एक्टिव में एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम जो है सब्जेक्ट और रूल्स में ये कार्य हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को भी चेंज करते हैं. जब एक्टिव में से जुमला पैसिव में करते हैं तो एक्टिव वाला जुमला पैसिव में करने के लिए हमारा वर्ब चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं. और एक्टिव और पैसिव वॉइस में जुमला चेंज करने के लिए फॉर्म्स भी चेंज होते हैं और काफ़ी जो है ना गहरी जो चेंजेस आती हैं. So after learning about the basics of the active and passive voice, today we are going to practice about the active and passive voice. What is the practice? So we are following the practice of active and passive voice now. So as students, I hope you will enjoy this practice. Now the cue number one is our task has completed before sunset. Hamara task jo hai sunset se pehle mukammal hua. अब जो हमारा टास्क जो है सनसेट से पूरे पहले कैसे मुकम्मल हुआ, अब ये कह रहे हैं कि ना हमारा टास्क किस तरह से पूरा हुआ. ठीक है, अब टास्क हैज़, जब भी जुमले में हैज़ आ जाए, जब भी जुमले में क्या आ जाए, हैज़ आ जाए, क्या आ जाए, हैज़ आ जाए. ठीक है, तो हैज़ की जगह हमारा बीन आ जाता है. जब भी हमारा हैज़ आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे. ठीक है, अगर हैज़ नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर हमारा फॉलो आ रहा है, अब आवर टास्क हैज़ कम्प्लीटेड, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉर्म. अब उसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएंगे. अवर को हम जब अवर हमारा थर्ड फॉर्म है, अवर को जब हम चेंज करते हैं तो अवर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा. अवर रिप्लेसेस वी, तो अवर की जगह क्या आ गया, हमारा वी आ गया. तो सिंपल हम क्या करेंगे, अवर को उठाएंगे, अवर के वी अभी हमारे पास चार है, वी के हम देखेंगे टेंस कौन सा है, पास्ट है, वी के साथ हेड आ जाएगा. तो इसका हमारा जवाब होगा वी हैड कम्प्लीट अवर टास्क बिफोर द सनसेट. डी इज़ करेक्ट. सबसे पहले हमारा फॉर्म भी चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, उसके बाद में हमारा जो कंडीशंस हैं उसको चेंज किया हमने, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. जैसे आवर टास्क हैज कंप्लीटेड बिफोर द सनसेट, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर द सनसेट हमारा हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट द बॉय लाफ्ड एट द बिगर. ठीक है, ये हमारा सवाल है. अभी हमारा फ्रेज है लाफ्ड एट द बिगर. एट द बिगर जो हमारा फ्रेज है, अब उसको हम चेंज करना है हमें पैसे में. अब लाफ्ड हमारा पास सिंपल है, हमारा पास सिंपल जो है हमेशा किस में चेंज होता है, पास में. वाज जो डिड जो हमारा वाज वर्ब में चेंज होगा सिंपल. तो वाज हमारे पास दो हैं, एक द बेगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, लाफ्ड एट आएगा. ए और डी हमारे सही होंगे, मगर डी इज़ करेक्ट आंसर. एट आया है, बाय नहीं आएगा. तो द बेगर लाफ्ड एट द बॉय. ठीक है, द आंसर डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारा सवाल है द बॉय वाज प्लेइंग क्रिकेट. बच्चा गेम खेल रहा था, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज. अब जो क्रिकेट है कौन खेल रहा था, बॉय खेल रहा था, लड़का खेल रहा था. ठीक है, अब उसको हमने कंडीशन को चेंज करना है. द बॉय वाज, वर जो है बीइंग आ जाता है वर के साथ. अब बीइंग हमारे पास एक ही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है. वर हमारा हमेशा बीइंग को फॉलो करता है. द बॉयज वर प्लेइंग द क्रिकेट. अब क्रिकेट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ये हमारा आंसर सही हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों. दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग. अ सर्किल इन द मॉर्निंग ड्रून बाय. अब अ सर्किल इन द मॉर्निंग जो है हमारा, ये हम उठाएंगे सर्किल इन द मॉर्निंग सारा. अ सर्किल इन द मॉर्निंग हमारा है. अब चार ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, अब उसमें देखेंगे अ सर्किल इन द मॉर्निंग कौन से हैं. अब उसमें ड्रू आया है, ड्रू पास्ट फॉर्म का है. ठीक है, तो ड्रू वाज में आएगा सिंपल. अब वाज हमारे पास कितने हैं, वाज हमारे पास दो हैं. अ सर्किल वाज बींग आ रहा है इसमें, तो अ सर्किल वाज ड्रॉन. बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों. दे विल डेमोलिश देयर इंटायर ब्लॉक. विल बी आ जाएगा सिंपल. ठीक है, अब विल बी कितनों में आया है, विल बी किसी एक में नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, विल बी को फॉलो करेंगे. विल फॉलोड बाई विल बी, तो विल बी हमारा सही होगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा द बर्गलर. द बर्गलर
destroyed several items in the room, even carpet has been torn. ये हमारा सवाल है. destroyed हमारा पास सिंपल है, वाज आएगा. ठीक है, अब वाज हम देखते हैं कितने में है. अब वाज में है, मगर हम क्या कह रहे हैं, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सिविल आइटम इन द रूम, इवन कारपेट हैज बीन टॉर्न. आज इसमें दो जुमले हैं. ठीक है, सिविल आइटम्स हैज बीन, अब कंपाउंड सेंटेंस में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. अब इसमें सिविल हमें सबसे पहले आएगा. ठीक है, सिविल हमारे पास दो हैं, सिविल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, सिविल आइटम्स इन द रूम. अब सिंपल है, सिविल आइटम्स इन द रूम ही आएगा, डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा. ठीक है, चलने प्यारे बच्चों. अब क्यों आएगा, सेवरल एटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गुलर. अब सेवरल एटम्स डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गुलर बाय द रूम, बर्गुलर ने कहा. ठीक है, बाय द बर्गुलर है, इन द रूम नहीं है. ठीक है, इन द रूम है, मगर हमारा वर्ब डिस्ट्रॉयड नहीं है उसमें, जो हमारा प्लूरल वर्ब नहीं है, जैसे हमारा बी ऑप्शन से करेक्ट आ रहा है हमारा. ठीक है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द मस्ट, हमारा बी में आ जाता है, जब मस्ट हो तो बी में आ जाएगा, तो बी हमारा एक ही है. Must be respected. B option is correct. Next पे चलते हैं. We have warned you. You are. You के साथ हमारा क्या आ जाएगा? You have been warned. ठीक है? You के साथ A आ जाएगा, तो हमारा U एक ही है. A option is correct. Next पे चलते हैं. Has anybody answered your questions? Question mark है हमारे पास. Has your question आएगा? Have your has है. हमारा has को ही follow करेंगे. और हमारा plural नहीं है. एक ही सवाल है. Has your question been answered? हमारा C option सही होगा. जब भी सवाल होता है, सवाल को हम पीछे इज ओ एम ओ आर हम पहले रखते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस. अब सिंपल है, द प्राइसेस हमारा पहला आएगा, द प्राइसेस दो हमारे, द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ये था हमारा जो एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट एंड आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़.